गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र शिवा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। अब तक आपने पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कॉमन नोमेनक्लेचर एंड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और पढ़ा एरोमेटिसिटी। अब हम पढ़ेंगे आज आइसोमेरिज्म समाव्यक्ता। क्लियर है? इस चैप्टर में तो हमें पढ़ना केवल संरचनात्मक समाव्यक्ता और अगले चैप्टर में पढ़ना हमें त्रिविम समाव्यक्ता। हम सबसे पहले बात करें समाव्यक्ता की। समावयवता नाम से फेमस है, सम अवयव मतलब वे यौगिक जिनमें समान अवयव होते हैं, मतलब वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन इनके भौतिक गुण या इनके रासायनिक गुण या इनके भौतिक और रासायनिक गुण दोनों ही भिन्न होते हैं, वो यौगिक कहलाते हैं आपके समावयव। क्या कहलाते हैं? वो यौगिक समावयव। और इस घटना को हम कहते हैं समावयवता। क्लियर है? समावयवता का मतलब क्या होता है? वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन के भौतिक या रासायनिक गुण या दोनों गुण भिन्न होते हैं, समावयव कहलाते हैं और इस घटना को हम समावयवता कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हमने ये एग्जाम्पल लिया, एक मॉलिकुलर फॉर्मूला लिया C2H6O। क्लियर है? इस मॉलिकुलर फॉर्मूला के दो कंपाउंड पॉसिबल हैं, दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक CH3CH2OH, एक CH3OCH3। तो एक तो आप देखिए बेटा वो एल्कोहल है और एक आप देखिए ईथर है। तो ये वाला कंपाउंड तो शो करेगा एल्कोहल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब एल्कोहल के भौतिक और रासायनिक गुण, और ये वाला शो करेगा ईथर के भौतिक और रासायनिक गुण। अब चूंकि दोनों के भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग है तो इन दोनों के भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग है लेकिन इनका अणुसूत्र क्या है? समान है। तो हमने क्या बोला? वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, समावयव कहलाते हैं। ये दोनों एक दूसरे क्या है? समावयव है। और इस घटना को हम कहते हैं समावयवता। एनी कंफ्यूजन? अब हम बात करें यहाँ पर समावयवता का वर्गीकरण की। समावयवता कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है? तो समावयवता को हमने दो भागों में बांटा, एक तो बांटा संरचनात्मक समावयवता और एक बांटा हमने त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता का मतलब है वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन इनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, इन्हें हम कहते हैं संरचनात्मक समावयवता। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो समावयवता के आगे शब्द लगा हुआ है वो भिन्न होगी। तो यहाँ पे कौन भिन्न है? संरचना। तो हमने क्या कहा? वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान है लेकिन इनके संरचना सूत्र क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। अब बेटा अपन बात करें संरचनात्मक समावयवी की, पुनः हमने छह भागों में बांटा। पहला श्रृंखला समावयवता चैन आइसोमेरिज, दूसरा स्थिति समावयवता पोजीशन आइसोमेरिज, तीसरा क्रियात्मक समूह समावयवता फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज, चौथा बल श्रृंखला समावयवता रिंग चैन आइसोमेरिज, पांचवा मध्यावयवता मेटामेरिज और छठा है चलावयवता टॉटामेरिज। क्लियर? इस चैप्टर में हम यहाँ पर ये पहली पांच समावयवता पढ़ेंगे, चलावयवता को हम इनके साथ पढ़ेंगे। और दूसरा प्रकार है त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता एक स्पेशल टाइप की समावयवता है, इनमें यौगिकों के अणुसूत्र भी समान होते हैं और संरचना सूत्र भी समान होते हैं। क्या बोला मैंने? वे यौगिक जिनके अणुसूत्र और संरचना सूत्र तो समान होते हैं लेकिन लेकिन उनके अणुओं में उपस्थित विभिन्न समूहों का या परमाणुओं का त्रिविम में विन्यास, किसमें विन्यास? त्रिविम में विन्यास भिन्न होता है, वो कहलाते हैं त्रिविम समावयव, स्टीरियो आइसोमेरिज। क्लियर है? तो क्या कहते हैं अपन त्रिविम समावयव की परिभाषा? वे यौगिक जिनके अणुसूत्र और संरचना सूत्र तो समान होते हैं लेकिन त्रिविम में उनके अणुओं में उपस्थित परमाणु या समूह का त्रिविमीय विन्यास जो होता है या व्यवस्था होती है वो भिन्न होती है, तो उन्हें हम कहते हैं त्रिविम समावयव। क्लियर? अब ये दो प्रकार का होता है, एक विन्यासी और एक संरूपण। विन्यासी समावयवता को पुनः हमने दो भागों में बांटा, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। क्लियर है? ये हमारा अगला चैप्टर है जिसका नाम ही त्रिविम समावयवता है। क्लियर है? ये पूरा पढ़ना है, इतना सा चैप्टर है लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। और ये चलावयवता भी हम उसमें ही पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो हम पढ़ेंगे संरचनात्मक समावयवता, जिसकी परिभाषा क्या आएगी? वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन इनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। एनी कंफ्यूजन?
कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, क्लियर है, थैंक यू। अब बेटा हम पढ़ते हैं संरचनात्मक समावयवता, पहली समावयवता है स्ट्रक्चर आइसोमेरिक। तो संरचनात्मक समावयवता का नाम है संरचनात्मक समावयवता। तो हम कहते हैं वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन इनके संरचना सूत्र भिन्न होते हैं, मतलब इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं संरचनात्मक समावयवता, क्लियर है। और इस घटना को हम कहते हैं संरचनात्मक समावयवता, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो संरचनात्मक समावयवता की परिभाषा क्या आई, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन इनकी संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, संरचना समावयव कहलाते हैं। और इस घटना को हम संरचनात्मक समावयवता कहते, क्लियर है। इस समावयवता में पहला प्रकार पढ़ते हैं हम श्रृंखला समावयवता, चैन आइसोमेरिक। अब जैसे नाम से फेमस है श्रृंखला समावयवता, मतलब इनमें श्रृंखला भिन्न होगी, क्या भिन्न होगी इनमें, श्रृंखला। तो हमने कहा सर वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन इनकी श्रृंखला संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है, क्या भिन्न भिन्न होती है, श्रृंखला संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है, मतलब जो चैन है वो अलग अलग कार्बन की होंगी, तो कहलाते हैं आपके श्रृंखला समावयव, क्या कहलाते हैं, श्रृंखला समावयव कहलाते हैं। और इस घटना को हम कहते हैं श्रृंखला समावयवता, क्लियर है। तो हमने कहा वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन इनमें श्रृंखला संरचना क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो ये कहलाते हैं आपके श्रृंखला समावयव। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने ले लिया C4H10, ये एक यौगिक ले लिया, क्लियर है। C4H10 में हम बात करें तो एक स्ट्रक्चर तो बन सकती है ये वाली CH3CH2CH2CH3, क्लियर। और एक स्ट्रक्चर बन सकती है ये वाली CH3CH CH3 और CH3। इन दोनों यौगिकों की बात करें तो इसमें 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, और यहां पर भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, तो इन दोनों के अणुसूत्र समान है, ये वाला सूत्र तो समान है, लेकिन यहां देखें तो इनकी श्रृंखला में 4 कार्बन है मेन श्रृंखला में, और इनकी जो मुख्य श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, क्लियर है। तो इसका नाम तो क्या आएगा, ब्यूटेन, और इसका नाम क्या आएगा, प्रोपेन, ठीक है ना भाई, 2-methyl propane है और ये ब्यूटेन है। तो इन दोनों में श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न हो गई, तो ये दोनों यौगिक फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो चैन आइसोमर कहलाएंगे, मतलब श्रृंखला समावयव कहलाएंगे, क्लियर है। तो ये दोनों क्या हो गए, श्रृंखला समावयव हो गए। क्या सीखे आप, इनमें क्या होंगी, श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न होंगी, क्लियर। जैसे आपने एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल लिया C5H12, ये अणुसूत्र ले लिया, इस अणुसूत्र में क्या क्या बन सकता है आप देखो, एक तो बन गया CH3CH2CH2CH2CH3, एक तो ये बना, एक बना आपका CH3CH3CH2CH3, क्लियर। और एक बनेगा आपका CH3CH3CH3CH3, ये 3 कंपाउंड बन गए। इसको हमने ए दे दिया, इसको हमने बी दे दिया, और इसको हमने सी दे दिया, क्लियर है। अब यहां पे आप देखिएगा कि ए वाले यौगिक में श्रृंखला कितने कार्बन की है, 1, 2, 3, 4, 5 की है, बी वाले में श्रृंखला कितने कार्बन की है, मुख्य 1, 2, 3, 4 की है, और सी वाले में श्रृंखला कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है। तो तीनों यौगिकों के अणुसूत्र तो समान है C5H12, लेकिन इनकी श्रृंखलाएं क्या आ रही है, भिन्न भिन्न आ रही है ना भाई, और भिन्न भिन्न आ रही है, तो ये तीनों यौगिक एक दूसरे के कहलाएंगे श्रृंखला समावयव। मतलब अगर आपसे कहे कि ए और बी और सी आपस में क्या है, ये दोनों चैन आइसोमर है, ये दोनों भी चैन आइसोमर है, और ये दोनों भी चैन आइसोमर है, मतलब श्रृंखला समावयव, क्लियर है। तो इनमें क्या भिन्न होंगी, श्रृंखलाएं भिन्न होंगी, तो कहलाएंगे आपके श्रृंखला समावयव, कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। और एग्जाम्पल इसके चैन आइसोमर देखें कितने चैन पॉसिबल्स हैं, तो पहले आप इसकी पूरी स्ट्रक्चर बना लें, कितने एल्केन बन सकते हैं, कितने एल्केन बन सकते हैं, तो यहां पर एक एल्केन तो बनाया आपने CH3CH2CH2CH2CH3,
एक तो ये बना लिया, एक आपने बनाया सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री। आप साथ के साथ इनके आईयूपीएसी नाम भी लिखते जाएंगे, ठीक है ना भाई। तो जब तो वो पढ़ लिया तो आप लिखते जाइएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी सी एच थ्री यहाँ पे भी आ सकता था, तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच थ्री सी एच टू और सी एच थ्री एक ही बन सकता है। एक आपका सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री और सी एच थ्री एक ही बन सकता है। और एक आपका सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री और सी एच टू सी एच थ्री एक ही बन सकता है। ये तो हो गया नॉर्मल एग्जाम, है ना। ये हो गया टू मैथिल पेंटेन, ये हो गया थ्री मैथिल पेंटेन, और ये हो गया टू थ्री डाई मैथिल ब्यूटेन, और ये हो गया टू टू डाई मैथिल ब्यूटेन। ये पांच कंपाउंड बन गए, ए बी सी डी और ई। अब हमें यहाँ देखना है कि चैन आइसोमर कौन कौन से, तो हमें क्या देगा वो, हमें वो ऐसे देगा ए एंड बी ए एंड सी ए एंड डी ए एंड ई B एंड C, B एंड D, B एंड E, कुछ भी पूछ लेगा वो, और C एंड D, C एंड E और D एंड E, इनमें देखना है। तो हमें चैन आइसोमर का मतलब क्या है, श्रृंखला समावयवता का मतलब है बेटा, कि इनमें अनुसूत्र तो समान होंगे लेकिन इनकी श्रृंखला संरचनाएं जो है वो भिन्न भिन्न होंगी, वो कहलाते हैं आपके श्रृंखला समावयव। क्लियर है। अब जैसे यहां देखे ए और बी में, ए में छह कार्बन की श्रृंखला है और बी में पांच कार्बन की, हमें केवल श्रृंखला देखनी है। क्लियर है। तो ए में छह कार्बन है, बी में पांच कार्बन है, दोनों का अनुसूत्र क्या है, 36 14 है, तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के श्रृंखला समावयव हो गए। तो ए और बी कहलाएंगे आपके चैन आइसोमेरिक, क्या कहलाएंगे, चैन आइसोमर्स कहलाएंगे। ए एंड सी, ए में छह कार्बन की श्रृंखला है, सी में पांच की श्रृंखला है, तो दोनों भिन्न भिन्न श्रृंखला वाले हैं, तो ये भी कहलाएंगे आपके चैन आइसोमर, श्रृंखला समावयव कहलाएंगे। ए एंड डी, ए में कितने कार्बन है, छह कार्बन है, और डी में चार कार्बन की श्रृंखला है, तो भिन्न श्रृंखला, तो ये भी क्या कहलाएंगे आपके चैन आइसोमर। और ए एंड ई, ए में छह कार्बन की श्रृंखला है और ई में भी, ई में चार कार्बन की श्रृंखला, भिन्न भिन्न हो गई, तो ये कहलाएंगे आपके चैन आइसोमर। तो ए जो है वो बी सी डी और ई सबके साथ चैन आइसोमेरिन शो करता है। क्लियर है। अब हम बात करें बी का, बी का सी के साथ, बी में कितने कार्बन है, चैन में पांच कार्बन, सी में कितने कार्बन है, चैन में पांच कार्बन, तो बेटा दोनों में समान कार्बन हो गए, और हम कहते हैं श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न होनी चाहिए, जबकि यहाँ तो श्रृंखला समान है, यहाँ पे भी पांच कार्बन की मुख्य श्रृंखला और यहाँ पे भी पांच कार्बन की है, और जब इन दोनों में श्रृंखला समान है तो ये दोनों ही चैन आइसोमर नहीं है। तो बी और सी जो है वो चैन आइसोमर नहीं होंगे, श्रृंखला समावयव नहीं होंगे, कोई कंफ्यूजन। फिर हम यहाँ बात करें बी और डी की, बी में पांच कार्बन की श्रृंखला है और डी में चार कार्बन की श्रृंखला है, दोनों भिन्न भिन्न होंगे, तो बी और डी क्या होंगे, चैन आइसोमर होंगे। क्लियर। बी और ई पांच और चार तो हो गए समावयव, तो ये दोनों भी चैन आइसोमर है। फिर हम बात करें सी और डी की, सी में पांच कार्बन है चैन में और डी में मुख्य श्रृंखला में चार कार्बन है, और चार कार्बन पांच कार्बन तो क्या कहलाएंगे, चैन आइसोमर कहलाएंगे। फिर यहां बात करें सी और ई की, तो सी में मुख्य श्रृंखला में फाइव कार्बन या फोर कार्बन की है, तो डिफरेंट हो गए, भिन्न हो गए, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे आपके, चैन आइसोमर कहलाएंगे। और यहां पर देखें डी और ई में, डी में भी चार कार्बन की चेन है और ई में भी चार कार्बन की चेन है, और दोनों में जब समान कार्बन की चेन है तो यहाँ श्रृंखला भिन्न भिन्न नहीं हुई ना भाई, श्रृंखला तो क्या होगी, समान, और जिनमें श्रृंखला समान हो गई वो श्रृंखला समावयव नहीं कहलाते, तो ये चेन आइसोमर नहीं है, नोट चेन आइसोमर। तो कंफ्यूजन। तो श्रृंखला समावयव होने के लिए श्रृंखला का भिन्न होना अनिवार्य है। क्लियर। अगर श्रृंखला समान है, मुख्य श्रृंखला समान है, तो कभी भी चैन आइसोमर नहीं हो सकते, कोई कंफ्यूजन। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लेते हैं और एग्जांपल्स।
चैन आई सुमर के श्रृंखला समावर्ता के। तो जैसे मान लो हमें आपको आपने ये तीन यौगिक दे दिए, एक तो दे दिया ये और एक दे दिया ये और एक दे दिया ये और एक दे दिया आपको ये, ठीक है। ये चार यौगिक दे दिए आपको ए बी सी और डी, और आपसे पूछे कि इन चारों में से ए और बी क्या है, चेन आइसोमर है कि नहीं है। तो इसमें देखिए रिंग में पांच कार्बन की चेन है, यहाँ चार कार्बन की चेन है, तो ये दोनों क्या हो गए, चेन आइसोमर हो गए, क्लियर। फिर यहां पर देखें, यहां अपन बात करें ए और सी की, ए में और सी में, ए में पांच कार्बन की चेन है, सी में तीन कार्बन की चेन है, कितने कार्बन हो गए, क्या हो गए, चेन आइसोमर हो गए। फिर हम बात करें ए एंड डी की, ए में पांच कार्बन की चेन है और डी में तीन कार्बन की चेन है, तो ये क्या हो गए, चेन आइसोमर हो गए। और एग्जांपल देखें, हम बात करें बी और सी की, बी और सी में यहाँ चार कार्बन की वलय है और यहाँ पर तीन कार्बन की वलय है, तो भिन्न भिन्न है वलय, और वलय में चेन भिन्न भिन्न है, तो ये क्या हो गए, दोनों चेन आइसोमर हो गए। और बी एंड डी की बात करें तो ये चार और ये तीन की है, तो ये भी क्या हो गए, चेन आइसोमर हुआ। अब हम बात करें सी एंड डी की, तो सी में वलय में तो उपस्थित समान है, ये तीन कार्बन की, लेकिन वलय से जुड़ी हुई जो पार्श्व श्रृंखला है उसमें यहाँ दो कार्बन है और यहाँ पर एक ही कार्बन है, क्लियर, और एक कार्बन, तो यहाँ दो कार्बन की श्रृंखला और यहाँ पर एक कार्बन श्रृंखला, ये यहाँ पर भिन्न आ रहा है, क्लियर। इधर तो दो कार्बन की श्रृंखला, इधर एक कार्बन की श्रृंखला है, और श्रृंखला भिन्न होती क्या कहलाएगा, वो श्रृंखला समावयव, क्या कहलाएगा, वो श्रृंखला समावयव। तो ये कहलाएंगे आपके चैन आइसोमर, क्या कहलाएंगे, चैन आइसोमर। कोई कंफ्यूजन, इसमें क्या देखना है, इसमें तीन कार्बन की बले तो सेम है, लेकिन बले से जुड़ी हुई जो पार्श्व श्रृंखला है उसमें दो कार्बन है जबकि यहाँ पर एक ही कार्बन है, तो ये कहलाएंगे आपके चैन आइसोमर। कोई कंफ्यूजन, श्रृंखला समावयव, क्लियर। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, और एग्जांपल लेते हैं, हम बात करें इन एग्जांपल्स की कि इनमें कौन कौन से एग्जांपल्स में क्या क्या है, चैन आइसोमेरिज्म है कि नहीं है, श्रृंखला समावयवता है कि नहीं है। तो आप यहाँ देखें, इस ए और बी में देखें कि सर ये ए और बी जो है वो चैन आइसोमर है कि नहीं है, तो ए में ये श्रृंखला तो समान है तीन कार्बन की, लेकिन यहाँ पर एक दो तीन की पार्शियल श्रृंखला, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल श्रृंखला कितने कार्बन की, दो की, भैया एक और एक दो ही कार्बन है, जबकि यहाँ पर कितने, एक दो और तीन कार्बन है, तो यहाँ पर मुख्य बल है तो समान है, तीन कार्बन की, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो पार्शियल श्रृंखला है, साइड चेन है, वो डिफरेंट है, यहाँ तीन कार्बन की है, यहाँ पर दो कार्बन की है, तो ये चेन डिफरेंट होगी ना भाई, श्रृंखला डिफरेंट होगी, तो क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर, क्लियर। अब आप बात करें ए और सी की, तो ए में मुख्य श्रृंखला तो तीन कार्बन की है और सी में भी तीन कार्बन की है, लेकिन ये जो पार्शियल श्रृंखला है ये तीन कार्बन की, यहाँ पर ये एक एक कार्बन की है, तो पार्शियल श्रृंखला भिन्न भिन्न हो गई, और भिन्न भिन्न हो गई, तो ए और सी भी क्या है आपके, चैन आइसोमर है। फिर हम बात करें बी एंड सी की, तो बी एंड सी में मुख्य श्रृंखला समान है तीन तीन कार्बन की, लेकिन यहाँ पर देखें पार्शियल श्रृंखला यहाँ दो कार्बन की, यहाँ पर एक कार्बन की है, तो ये कहलाएंगे आपके चैन आइसोमर, क्योंकि श्रृंखला समावय होने के लिए श्रृंखला का भिन्न होना ही जरूरी है, अब चाहे वो श्रृंखला मुख्य हो चाहे वो पार्श्व हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर। अब जैसे यहाँ पे बात करें ए और बी में, बात करें मुख्य श्रृंखला समान है, लेकिन यहाँ पर ये दो कार्बन की है और यहाँ पर एक कार्बन, लेकिन ए और बी किसी प्रकार की भी संरचनात्मक समावयवता, संरचना समावयवता प्रदर्शित नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि समावयवता की परिभाषा में फिक्स लिखा हुआ है पहले से ही कि इनका अनुसूत्र समान होना चाहिए, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि उनका सूत्र समान है कि नहीं है, ये देखना है, और सूत्र समान होने के लिए हमें देखना है कि है कि नहीं, तो हमने यहाँ देखा तो एक दो तीन चार पांच कार्बन है, जबकि यहाँ पर एक दो तीन चार ही कार्बन, तो जब अनुसूत्र समान नहीं है तो संरचनात्मक समानता की बात ही नहीं करेंगे, होंगे ही नहीं,
क्योंकि समवयता प्रदर्शित करने के लिए अनुसूत्र का समान होना अनिवार्य है। तो ए और बी किसी प्रकार की समवयता प्रदर्शित नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की नहीं करेंगे। अब हम बात करें बी और सी की, सॉरी नीचे वाले एग्जाम्पल में ए और बी की बात करें, तो ए में 6 कार्बन की बल है, यहाँ पर मुख्य बल है भी 6 कार्बन के बी में, लेकिन यहाँ देखें ये पार्शल श्रृंखला 2 कार्बन की है और यहाँ जो पार्शल श्रृंखला है वो एक ही कार्बन की। तो जो ए और बी है वो आपस में एक दूसरे के चैन आइसोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो आपस में एक दूसरे के चैन आइसोमर कहलाएंगे। ऐसे यदि हम बात करें इन दोनों यौगिकों, क्लियर है ना, आपके समझ में आ रहा है, चैन आइसोमर होने के लिए श्रृंखला का भिन्न होना जरूरी है यहाँ। और सबसे पहला काम क्या देखेंगे, अनुसूत्र। यहाँ देखें ये और ये यौगिक, इसमें कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 है। यहाँ कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने, 3, 3, 6, 3, 3, 9, 1 यहाँ पर है 10, 11, 12। तो इनके अनुसूत्र तो समान है, लेकिन यहाँ पर देखिए मुख्य बल है यहाँ 6 कार्बन की है, यहाँ 3 ही कार्बन की, श्रृंखला भिन्न होगी ना भाई। और श्रृंखला भिन्न हो गई तो जो ए और बी हैं वो होंगे आपके चैन आइसोमर। कैसे होंगे वो, चैन आइसोमर होंगे। हम यह बात करें इस एग्जाम्पल की, लास्ट एग्जाम्पल की बात करें, तो लास्ट एग्जाम्पल में हम देखें तो ये 6 कार्बन की बल है, बल है सब में 6 कार्बन की है, पार्शियल श्रृंखला ए में 2 कार्बन की है, बी में 1-1 कार्बन की है, सी में भी 1-1 कार्बन की है और डी में भी 1-1 कार्बन की है। तो हम बात करें ए बी के साथ, ए सी के साथ और ए डी के साथ, तीनों के साथ क्या होगा, चैन आइसोमर होगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर ए में 2 कार्बन श्रृंखला है, यहाँ पर 1-1 कार्बन श्रृंखला है सब में। लेकिन हम बात करें बी की और सी की, और बी की और डी की, ठीक है, इन दोनों में देखें तो मुख्य श्रृंखला बी और सी में मुख्य श्रृंखला भी 6 कार्बन की है और इनसे जुड़ी हुई श्रृंखला भी 1-1 कार्बन की है। क्लियर, बी और डी में देखें मुख्य श्रृंखला 6 कार्बन की है और इनसे जुड़ी हुई पार्शियल श्रृंखलाएं भी 1-1 कार्बन की है, समान है। अब हम बात करें सी और डी में, सी और डी में देखें मुख्य श्रृंखला भी 6 कार्बन की है और उससे जुड़ी हुई श्रृंखलाएं 1-1 कार्बन की है, मतलब श्रृंखलाएं भिन्न है ही नहीं, सारी श्रृंखलाएं समान है। और जब श्रृंखलाएं समान है तो बी सी के साथ, बी डी के साथ और सी डी के साथ कोई भी चैन आइसोमेरिन शो नहीं करेगा, श्रृंखला समवयता प्रदर्शित नहीं करेगा। और एग्जाम्पल देखें अपन, जैसे यहाँ पर भाई श्रृंखला समवयता प्रदर्शित करने के लिए एक ही चीज है कि श्रृंखला का भिन्न होना जरूरी है। इसका भिन्न होना जरूरी है श्रृंखला का। जैसे आपने ये ले लिया, मान लो ये ले लिया, यहां पर आपने ये ले ली एक एक कंपाउंड, आपने फिर ये ले लिया एक कंपाउंड, आपने एक ये ले लिया और एक कंपाउंड आपने ये ले लिया, ठीक, ये ए ये बी और ये सी, ये तीन स्ट्रक्चर दी गई हैं। अब पूछें कि इन तीन में से क्या ए और बी श्रृंखला समावयव है, क्या बी और सी श्रृंखला समावयव है, क्या ए और सी श्रृंखला समावयव है। तो देखें ए और बी में देखें तो ए और बी में मुख्य श्रृंखला तो 6 कार्बन की बेंजीन बल है, लेकिन पार्शियल श्रृंखला में आप देखें यहाँ पर 1, 2, 3 कार्बन है और यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो श्रृंखला भिन्न होगी ना भाई, यहाँ पर 3 कार्बन की, यहाँ पर 2 कार्बन की है। तो ये ए और बी क्या कहलाएंगे, चैन आइसोमर कहलाएंगे। तो ये दोनों कहलाएंगे आपके चैन आइसोमर। क्लियर, हम बात करें बी और सी की, बी और सी में मुख्य श्रृंखला तो बेंजीन है ही है, उसके बाद बात करें पार्शियल श्रृंखला, यहाँ 2 कार्बन की है और 1-1 कार्बन की है, जबकि यहाँ पार्शियल श्रृंखला 1 कार्बन की है सारी, तो ये 2 की और ये 1 की भिन्न होगी ना भाई, और भिन्न हो गई तो ये कहलाएंगे आपके चैन आइसोमर। क्लियर, और ए और सी की बात करें तो ए में पार्शियल श्रृंखला 3 कार्बन की और सी में पार्शियल श्रृंखला 1 कार्बन की है, तो क्या कहलाएंगे, ए और सी भी चैन आइसोमर के। क्लियर है, तो श्रृंखला समावयता होने के लिए श्रृंखला का भिन्न होना जरूरी है। और यदि बलय वाले यौगिक हैं तो बलय भिन्न हो या बलय से जुड़ी हुई पार्शियल श्रृंखला भिन्न हो, लेकिन भिन्न होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है
कि जब आप चैन आइसोमर देख रहे हैं तो सबसे पहले आप अनुसूत्र देखें, अनुसूत्र समान होगा तभी तो समावयवी होंगे, अनुसूत्र समान नहीं होगा तो काहे की समावयवता। तो सबसे पहले हमें देखना अनुसूत्र समान है कि नहीं है, कोई कंफ्यूजन? चलिए क्लियर है श्रृंखला समावयवता, कोई दिक्कत है? अब हम लेते हैं पोजिशन आइसोमेरिज, मतलब स्थिति समावयवता, क्लियर। अब हम बात करते हैं स्थिति समावयवता, स्थिति समावयवता किसे कहते हैं? स्थिति समावयवता का मतलब होता है वे यौगिक जिनके अनुसूत्र समान होते हैं और इनकी श्रृंखला संरचनाएं भी समान होती हैं, मतलब इनमें श्रृंखलाएं सब में एक समान होंगी। अगर पहले यौगिक में 5 कार्बन की तो दूसरे तीसरे सभी यौगिकों में 5 ही कार्बन की होगी, क्लियर है। मतलब इनके श्रृंखला सूत्र भी क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन श्रृंखला से जुड़े हुए क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, बहुबंध, द्विबंध और त्रिबंध और उन प्रतिस्थापी जो होंगे उनकी स्थितियां भिन्न भिन्न होंगी, वो अलग अलग स्थिति पे जुड़े होंगे तो कहलाएंगे आपकी स्थिति समावयव, क्लियर है। और इस घटना को हम कहते हैं स्थिति समावयवता। तो स्थिति समावयवता के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है वो शर्त क्या है? शर्त ये है कि सबसे पहली बात तो इनका अनुसूत्र समान होना चाहिए और दूसरी बात कि इनमें श्रृंखला संरचनाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, श्रृंखला संरचनाएं समान होंगी, समान होंगी मतलब श्रृंखलाएं समान होंगी, श्रृंखला चैन चेंज नहीं होगी। बस उनमें क्या चेंज होगा? श्रृंखला से जुड़े हुए प्रतिस्थापी, उसमें उपस्थित द्विबंध, त्रिबंध या क्रियात्मक समूहों की स्थिति चेंज होंगी तो कहलाते हैं आपके स्थिति समावयवी। एग्जाम्पल देखिएगा आप, जैसे आपने एग्जाम्पल लिया CH3 CH2 CH double bond CH2, एक ही ले लिया, एक एग्जाम्पल आपने लिया CH3 CH double bond CH और CH3। यहां पर मुख्य श्रृंखला 4 कार्बन की है यौगिक ए में और यौगिक बी में भी 4 कार्बन की है, लेकिन यहां देखिए आप डबल बॉन्ड कितने पर है? 1 पर है और यहां डबल बॉन्ड 2 पर है, क्लियर। तो ये तो कहलाएगा आपकी क्या? ब्यूट 1 इन और ये कहलाएगा आपका क्या? ब्यूट 2 इन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इन दोनों के अनुसूत्र समान है और श्रृंखला संरचनाएं भी समान है, लेकिन इनमें श्रृंखला में उपस्थित द्विबंध की स्थितियां भिन्न भिन्न है। यहां पर द्विबंध 1 पर है और यहां पर द्विबंध 2 पर है, तो ये दोनों यौगिक आपस में एक दूसरे के हो गए स्थिति समावयव। तो ए और बी जो होंगे वो कहलाएंगे एक दूसरे के स्थिति समावयव, पोजिशन आइसोमर, क्लियर है। तो और एग्जाम्पल देखें, आपने ऐसे ले लिया CH3 CH2 CH2 OH, ये एक यौगिक दे दिया आपको, ए एक आपको ये दे दिया CH3 CH OH और CH3। सबसे पहले तो देखें आप इन दोनों का अनुसूत्र समान है, 3 कार्बन है, 3, 2, 5 और 2, 7 और 1, 8 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। यहां पर भी 3 कार्बन है, 3, 3, 6 और 2, 8 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, क्लियर है। तो यहां पर श्रृंखला समान है लेकिन श्रृंखला से जुड़े हुए समूह की स्थिति, OH समूह यहां पर क्या है? पहले नंबर पर जुड़ रहा है और यहां पर जो OH है वो 2 नंबर कार्बन पर जुड़ रहा है, तो क्रियात्मक समूह की स्थिति भिन्न भिन्न होगी ना भाई। तो हमने यही तो कहा कि सर वे यौगिक जिनमें के अनुसूत्र समान होते हैं और इनके श्रृंखला संरचनाएं भी समान होती हैं, लेकिन इनमें श्रृंखला में उपस्थित प्रतिस्थापी, द्विबंध, त्रिबंध और क्रियात्मक समूह की स्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं स्थिति समावयव। तो यहां पर जो ए और बी हैं ये एक दूसरे के स्थिति समावयव कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? स्थिति समावयव, क्लियर। जैसे और एग्जांपल लिया अपन ने, मान लो आपको ये दे दिया, ये एक ये दे दिया, एक आपको ये दे दिया और एक आपको ये दे दिया, क्लियर है। ये 3 यौगिक दे दिए ए बी और सी, क्लियर। अब यहां पर देखें
मुख्य श्रृंखला समान है, 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन, और पार्श्व श्रृंखला एक एक कार्बन की है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखें, लेकिन यहाँ स्थिति 1 और 2 है, तो ये 1 2 स्थिति पर है, यहाँ ये स्थिति 1 3 है, तो ये 1 और 3 पर है, और यहाँ ये स्थिति 1 और 4 है, तो ये 1 4 है, क्लियर है। तो इनमें क्या भिन्न है, स्थिति भिन्न है किनकी, इन समूहों की, यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 3 है, यहाँ 1 4 है, तो ये कहलाएंगे आपके ABC जो है एक दूसरे के स्थिति समावयव कहलाएंगे। A और B, A एंड C, और B एंड C, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के स्थिति समावयव है। क्या है भाई, स्थिति समावयव, कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। तो स्थिति समावयवता होने के लिए क्या चाहिए, अनुसूत्र समान होना चाहिए, श्रृंखला सूत्र भी समान होना चाहिए, लेकिन श्रृंखला में उपस्थित द्विबंध त्रिबंध प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह की स्थिति भिन्न होनी चाहिए, तो उन्हें हम कहते हैं स्थिति समावयव, क्लियर। और एग्जांपल्स लेते हैं अपन, चलो देख लीजिए, आपको दिक्कत है तो बताइए। तो यहाँ पर मेन शर्त क्या है, श्रृंखला संरचना समान होंगी, जैसे इनमें 3 4 कार्बन श्रृंखला, तो सभी यौगिकों में 4 की होगी, बस द्विबंध की स्थिति भिन्न भिन्न, क्लियर है, तो इन्हें हम कहते हैं स्थिति समावयव। अब हम देखते हैं इन एग्जाम्पल्स को कि क्या ये श्रृंखला क्या ये स्थिति समावयवता प्रदर्शित करते हैं या नहीं करते, क्लियर है बेटा। अब हम देखते हैं इन एग्जाम्पल्स को, क्या ये एग्जाम्पल्स स्थिति समावयवता प्रदर्शित करते हैं या नहीं करते हैं। तो स्थिति समावयवता प्रदर्शित करने के लिए जो जो शर्त है, वो एक तो ये है कि सर उनका एक तो अनुसूत्र समान होना चाहिए, और एक उनका श्रृंखला संरचना जो है वो समान होनी चाहिए, मतलब श्रृंखला सभी यौगिकों में समान कार्बन की होनी चाहिए जो स्थिति समावयवता प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने श्रृंखला के साथ साथ श्रृंखला से जुड़े हुए प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह या श्रृंखला में उपस्थित द्विबंध त्रिबंध की स्थितियां भिन्न होती हैं, वो कहलाते हैं आपके स्थिति समावयव, क्लियर। हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर देखो 3 कार्बन की श्रृंखला, यहाँ पर भी 3 कार्बन श्रृंखला, यहाँ क्लोरीन 1 पर है और यहाँ क्लोरीन 2 पर है, ये 1 क्लोरोप्रोपेन और 1 2 क्लोरोप्रोपेन, दोनों में क्या आ रहा है क्लोरो, 1 में 1 पे आ रहा है, 1 में 2 पे आ रहा है, तो क्लोरो की पोजीशन डिफरेंट है ना भाई, नाम क्या आ रहा है 1 क्लोरोप्रोपेन, दूसरे का नाम क्या आ रहा है 2 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन आ रहा है पीछे श्रृंखला से हम आ रही है, लेकिन स्थिति 1 में 1 आ रही है और 1 में 2 आ रही है, तो ये ए और बी जो है वो कहलाएंगे आपके पोजीशन आइसोमर, क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर। अब जैसे यहाँ पर देखे, ये 2 कार्बन की श्रृंखला है, ये भी 2 कार्बन की श्रृंखला है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन 1 1 पर ही उपस्थित है और यहाँ क्लोरीन 1 और 2 पर उपस्थित है, तो दोनों की स्थिति भिन्न आई कि नहीं आई, आई, तो ये ए और ये बी जो है वो ए और बी कहलाएंगे आपके पोजीशन आइसोमर, क्लियर। यहाँ देखे, यहाँ पर सब में बेंजीन वाले श्रृंखला समान है, लेकिन यहाँ 1 और 2 पर क्लोरो है, यहाँ पर 1 और 3 पर क्लोरो है, और यहाँ पर 1 और 4 पर क्लोरो है, इन सब में क्लोरीन की स्थितियां भिन्न भिन्न है, यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 3 है, यहाँ 1 4 है, तो ये तीनों आपस में, जैसे इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया और इसको सी दे दिया, तो आपके ए और बी जो है वो ए और सी वो और बी और सी, ये इन सब में क्या है, स्थितियां भिन्न भिन्न है, तो ये आपस में एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर होंगे, स्थिति समावयव होंगे, क्लियर। अब एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए, मान लो ये फॉर्मूला दे रखा है आपको C4H8 और Br2, ये एक फॉर्मूला दे दिया, अब आपसे पूछे कि सर इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, अब हमें यहाँ दोनों बना लें, पोजीशन और चेन पढ़े हैं अभी तक, हम दोनों बना लें, तो पहले आप देखो यहाँ पे 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 और 4 कार्बन की चेन, और एक दूसरा इसका चेन आइसोमर कितने का बनेगा, 3 कार्बन का, 1 2 और 3, और ये हो गया चेन। अब इसमें क्लोरीन जोड़ दें आप, ब्रोमीन जोड़ दें सॉरी, तो एक बार तो ब्रोमीन एक एक पर जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 और CH, ये तो बन गया 1 1, फिर इसी 4 कार्बन की में पहले ब्रोमीन को चेंज कर दें,
एक बार एक पर जोड़ दिया, एक बार ब्रोमीन को दो पर जोड़ दिया, फिर एक बार एक पर जोड़ दिया और एक बार तीन पर जोड़ दिया, क्लियर। और एक चार कार्बन में ये भी पॉसिबल है कि ब्रोमीन को दोनों को दो पर जोड़ दे, बी आर, क्लियर। तो देखो ये तो हो गया वन वन, ये हो गया वन टू, ये हो गया वन थ्री, और ये हो गया वन सॉरी टू टू, क्लियर। और अभी चार कार्बन में एक और चेन देखें अपन, ये चार कार्बन में एक चेन और देखी अपन ने, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू और सी एच थ्री। अब यहाँ पे बी आर को हम टू और थ्री पे भी जोड़ सकते हैं, बी आर और बी आर, ये हो गया टू थ्री, वन टू थ्री, क्लियर। तो आप यहाँ देखो, यहाँ तो जुड़ रही है वन वन पर, यहाँ जुड़ रही है वन टू पर, और यहाँ जुड़ रहा है आपके वन थ्री पर, और यहाँ जुड़ रहा है आपके टू टू पर, ओके। किस पर जुड़ रहा है भाई, टू टू पर, और यहाँ जुड़ रहा है आपके टू थ्री पर। तो इन सब में क्या है, ए बी, इसको सी दे दें, इसको डी दे दें, और इसको ई स्ट्रक्चर कह दें, और इस सूत्र में क्या बन सकती है, तो चार कार्बन की श्रृंखला में हो गई। अब इसकी श्रृंखला तीन कार्बन की भी आ सकती है, तो तीन कार्बन में ले लिया अपन ने सी एच थ्री, सी एच, सी एच थ्री। तो इसमें देखो, यहां पर एक बार बी आर दोनों जो है वो एक ही कार्बन पर जुड़ जाए, बी आर और बी आर, क्लियर। एक सेकेंड देख लेते, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो अपन यहां देखें, एक ये तो हो गया आपके वन वन पर, एक बार ये वन और टू पर आ जाए, क्लियर, और एक बार ये वन और थ्री पर आ जाए, क्योंकि टू थ्री पर आएगी तो वही वन टू कहलाएगी। तो ये वन वन है, ये वन टू है, और ये वन थ्री है, क्लियर। अब इनमें देखें अपन, कौन कौन से तो चेन आइसोमर है और कौन कौन से पोजीशन आइसोमर है, मतलब कौन कौन तो स्त्री समावयव है और कौन कौन श्रृंखला समावयव है। इनको एफ दे दिया, इसको जी दे दिया, इसको एच दे दिया। तो इस सूत्र के कुल ये आठ सूत्र बन गए। तो हमें कैसे बनाना है, पहले तो इनके बनाने चेन आइसोमर, चार कार्बन की चेन बना दी और एक तीन कार्बन की चेन बना दी, फिर उसमें चार कार्बन की पोजीशन बनाने आपको अलग अलग, और फिर तीन कार्बन की पोजीशन बनाने आपको अलग अलग। तो आप यहां देखें, ए एंड बी, ए एंड सी, ए एंड डी, ए एंड ई, ए एंड एफ, ए एंड जी, ए एंड एच, ए एंड एच तक ही है, ये ले लिया। तो यहां पे देखें अपन ए और बी को, ठीक है ना, ए और बी में चेन तो सेम है, तो चेन आइसोमर तो है नहीं, लेकिन यहां पर पोजीशन डिफरेंट है, वन वन है यहां पर और यहां पर वन टू है, तो ये कहलाएंगे आपके पोजीशन आइसोमर। ए और सी में देखें, वहां वन वन है, यहां वन थ्री है, तो ये भी पोजीशन आइसोमर कहलाएगा। ए और डी में देखें, ए में वन वन है और डी में टू टू है, तो ये भी पोजीशन आइसोमर कहलाएगा, लेकिन इनमें चेन सेम होनी चाहिए। ए और ई में देखें, तो यहां पर ए में वन वन है और वहां पर टू थ्री है, तो ये भी पोजीशन आइसोमर कहलाएगा। लेकिन हम ए और एफ की बात करें, तो ए में और एफ में अब चेन ही चेंज हो गई, श्रृंखला ही परिवर्तित हो गई, और श्रृंखला परिवर्तित होने पर यहां पर हम पोजीशन की बात नहीं करेंगे, केवल किसकी बात करेंगे, चेन आइसोमर की, श्रृंखला समावयव की। ए एंड जी, ए में चार कार्बन श्रृंखला, जी में तीन कार्बन की है, तो ये भी चेन आइसोमर कहलाएगा। ए एंड एच, ये भी चेन आइसोमर कहलाएगा, क्लियर। और देखें अपन, अपन बात करें बी और सी की, बी डी, बी एंड ई, बी एंड एफ, कुछ भी पूछ सकता है वो इनमें से, बी एंड जी और बी एंड एच, फिर सी एंड डी, सी एंड ई, सी एंड एफ, सी एंड जी और सी एंड एच, और फिर डी एंड ई, डी एंड एफ, डी एंड जी और डी
एंड एच, और फिर ई एंड एफ, ई एंड जी, ई एंड एच, और फिर एफ एंड जी, एंड एफ एंड एच, और जी एंड एच। इनमें हमें रिलेशन कुछ भी पूछ सकता है, वो इनमें से एक दे देगा, कोई सा भी स्ट्रक्चर देके कोई भी एक एग्जांपल देगा उनको, उनको पूछेगा कि भाई बी और डी क्या है, चेन आइसोमर है या पोजिशन आइसोमर है। तो हम यहाँ देखें बी और सी, बी और सी में चैन सेम है लेकिन पोजीशन एक में 1-2 है, एक में 1-3 है, ये दोनों हो गए पोजीशन आइसोमर। क्या हो गए दोनों? पोजीशन आइसोमर। बी और डी की बात करें, बी और डी में चैन सेम है लेकिन पोजीशन डिफरेंट है, तो ये कहलाएंगे आपके पोजीशन आइसोमर। बी एंड डी की बात करें तो बी और ई में चैन सेम है लेकिन पोजीशन डिफरेंट है, सो दीज आर पोजीशन आइसोमर। अब हम बात करें बी और एफ की, बी और एफ में हम बात करें तो चेन डिफरेंट हो गई, यहाँ 4 कार्बन की चेन है और यहाँ पर 3 कार्बन की चेन, और चेन डिफरेंट होते ही कौन सा आइसोमर हो गया? चेन। बी एंड जी भी क्या है? चेन आइसोमर है। बी एंड एच भी क्या है? चेन आइसोमर है, क्योंकि चेन डिफरेंट है। सी एंड डी, सी और डी में चेन सेम है लेकिन स्थिति भिन्न भिन्न है, स्थिति भिन्न भिन्न है, तो स्थिति समावय हो गया, पोजिशन आइसोमर हो गया। सी एंड ई, सी में श्रृंखला समान है लेकिन स्थितियां भिन्न भिन्न है ई में, तो ये हो गया पोजीशन आइसोमर हो गया। फिर हम बात करें सी एंड एफ, सी एंड एफ चेन डिफरेंट आ गई और चेन डिफरेंट आते ही चेन आइसोमर होगा। सी एंड जी चेन डिफरेंट है तो चेन आइसोमर होगा, सी एंड एच चेन डिफरेंट है तो चेन आइसोमर होगा। क्लियर? अब हम बात करें डी और ई की, डी और ई में चेन सेम है पोजिशन डिफरेंट है, तो ये कहलाएगा पोजिशन आइसोमर। और D एंड F चेन डिफरेंट हो गई, यहाँ 4 कार्बन की और F में 3 कार्बन की है, क्या आएगा वो? चेन आइसोमर। D एंड G, D एंड G, D में चेन 4 की है, G में चेन 3 की है, तो ये चेन आइसोमर, तो ये चेन डिफरेंट हो गई, तो श्रृंखला समावय तक कहलाएंगे। और D एंड G के बाद D एंड H की बात करें, श्रृंखलाएं भिन्न है, तो ये कहलाएगा चेन आइसोमर, श्रृंखला समावय। फिर हम बात करें ई एंड एफ, ई एंड एफ की बात करें तो ई में क्या है? श्रृंखला 4 कार्बन की है और एफ में श्रृंखला 3 कार्बन की है, तो ये कहलाएंगे चेन आइसोमर। ऐसे जी में और ई में भी 4 और 3 कार्बन की श्रृंखला है, ई और एच में भी 4 और 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो श्रृंखला समावय कहलाएंगे सारे। फिर आता है एफ एंड जी, एफ और जी में श्रृंखलाएं समान है लेकिन स्थिति यहाँ पर 1-1 है और यहाँ 1-2 है, तो ये कहलाएंगे आपके पोजीशन आइसोमर, स्थिति समानता कहलाएगी। एफ एंड एच, एफ और एच में भी स्थिति भिन्न भिन्न है, श्रृंखला समान है, तो ये कहलाएंगे पोजीशन आइसोमर। और जी और एच की बात करें तो जी और एच में श्रृंखला समान है लेकिन स्थिति भिन्न भिन्न है, तो ये कहलाएंगे स्थिति समावयव, मतलब पोजीशन आइसोमर। तो आप बना सकते हैं ऐसे स्थिति समावयव, कोई दिक्कत? क्लियर है? कुछ नहीं करना, जो संभव है वो बनाने, आपको जितनी स्ट्रक्चर बन सकती है उस सूत्र की उतनी बनानी है, और फिर देखना है कि वो स्थिति है कि श्रृंखला है, ये देखना है। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। क्लियर है चीज? चलिए, तो ये थे स्थिति समावयवता के एग्जांपल्स। क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं अगली समावयवता जिसका नाम है क्रियात्मक समूह समावयवता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरी। क्रियात्मक समूह समावयवता, नाम में ही लिख रहा है क्रियात्मक समूह समावयवता, तो इनमें क्या होगा? क्रियात्मक समूह भिन्न होगा। क्लियर है? तो हमने कहा कि सर वे यौगिक जिनके अनुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन इनमें क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्रियात्मक समूह समावयव कहलाते हैं। क्लियर है? तो इनमें अनुसूत्र तो समान है लेकिन क्रियात्मक समूह जो है वो भिन्न भिन्न है, इसलिए हम कहते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता। क्या कहते हैं इन्हें? हम क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। क्लियर है चीज? तो क्रियात्मक समूह समावयव होने के लिए क्या चाहिए? अनुसूत्र समान होना चाहिए बस, और इनमें फिर इनके क्रियात्मक समूह क्या होने चाहिए? इनमें भिन्न होने चाहिए। क्लियर है? तो समान तो अनुसूत्र और भिन्न क्रियात्मक समूह, तो कहलाएंगे क्रियात्मक समूह समावयव। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो एल्कोहल जो होता है वो ईथर के साथ क्रियात्मक समूह समावयव होता है। क्लियर है? तो एल्कोहल जो है वो ईथर के साथ क्रियात्मक समूह समावयवता दर्शाएगा, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन के साथ और एपॉक्सी के साथ
इपॉक्सीगम कहते हैं, ऑक्सीरेन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सीरेन। तो एल्डिहाइड के साथ होगा कीटोन के साथ और इपॉक्सी मतलब ऑक्सीरेन के साथ। तो आपको कुछ नहीं करना है, वहां पहले देखना अनुसूत्र समान है कि नहीं है और क्रियात्मक समूह भिन्न देखना है। तो यहाँ पर एक में एल्डिहाइड आएगा, एक में कीटोन आ सकता है, एक में ऑक्सीजन आ सकता है, तो ये कहलाते हैं एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावेशी। तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह समावेशी कौन बनेगा, कीटोन बनेगा और ऑक्सीरेन बनेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? एक इनका समावेश बन सकता है इनॉल। इनॉल का मतलब यहाँ पर कार्बन कार्बन और ये ऑल, ये इनॉल भी इनका क्रियात्मक समूह समावेश बनेगा। क्लियर है, इनमें इन आ रहा है और एक ओएच आ रहा है, मतलब ऑल आ रहा है। यहाँ देखिए हम अगला, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ये दोनों एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावेश है। कौन कौन, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। फिर हम देखें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर होगा क्रियात्मक समावेश, और एस्टर के साथ साथ इनमें हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। हाइड्रोक्सी कार्बोनिल का मतलब इन दोनों को अलग अलग कर दें, कीटोन और एल्डिहाइड को अलग अलग कर दें, तो एल्डिहाइड और एल्कोहल एक साथ हो गया, एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ हो जाएगा, तो उनमें एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप अलग हो गया और ओएच ग्रुप अलग हो गया, तो ये तीनों एक दूसरे के लाएंगे क्रियात्मक समूह समावेश। ऐसे हम यहाँ देखें एमीन्स में, तो 1 डिग्री एमीन का क्रियात्मक समूह समावेश होगा 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। क्लियर है, फिर देखिए हम थायोल एंड थायोईथर। थायोल और थायोईथर एक दूसरे के क्या होंगे, क्रियात्मक समूह समावेश होंगे। फिर एल्कीन, एल्कीन का होगा साइक्लो एल्केन। कौन होगा, साइक्लो एल्केन, क्योंकि एल्कीन और साइक्लो एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। फिर एल्काइन का होगा एल्काडाइन और साइक्लो एल्कीन। क्लियर, और नाइट्रो का होगा नाइट्राइट, क्रियात्मक समूह समावेश। और एरोमेटिक एल्कोहल जो होंगे वो फिनॉल के और एरोमेटिक ईथर्स के भी क्रियात्मक समूह समावेश होंगे। क्लियर है, एरोमेटिक एल्कोहल फिनॉल और ईथर के क्रियात्मक समूह समावेश होंगे। तो क्रियात्मक समूह समावेश का मतलब क्या है, क्रियात्मक समूह समावेश का मतलब है कि वे यौगिक जिनके अनुसूत्र समान है लेकिन उनमें क्रियात्मक समूह भिन्न है वो कहलाते हैं आपके क्रियात्मक समूह समावेश। क्लियर है चीज, कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए, है क्या बेटा, नहीं है, चलो। फिर यहाँ पर देखें कौन कौन से होंगे, तो मैंने आपको सारे बताए, ये आप सारे नोट कर लीजिएगा और ध्यान से रखिएगा इनको, क्योंकि याद रखना जरूरी है कि एल्कोहल का ईथर होता है, एल्डिहाइड का कीटोन और एपॉक्सी या इनॉल होता है, साइनाइड का आइसोसाइनाइड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर और हाइड्रोक्सी कार्बोनिल मतलब हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन भी होता है, 1 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन 3 डिग्री एमीन, थायोल का थायोईथर होता है, एल्कीन का साइक्लो एल्केन होता है, एल्काइन का एल्काडाइन्स होते हैं और साइक्लो एल्कीन्स होते हैं, नाइट्रो का नाइट्राइट होता है और एरोमेटिक एल्कोहल का एरोमेटिक फिनॉल्स एंड ईथर्स होते हैं। एनी कन्फ्यूजन, इन्हें हम कहते हैं क्रियात्मक समूह समावेश। अब हम इनके एग्जाम्पल्स लेते हैं, हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे आपने यहाँ पर लिया एग्जाम्पल वन ले लिया C2H6 और O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लिया, इसमें हमने दो कंपाउंड बनाए, एक तो बन सकता है एल्कोहल और एक बन सकता है ईथर, क्लियर। तो ये एल्कोहल है और ये ईथर है, तो इन दोनों में देखें अपन, ये ए हो गया और ये बी हो गया, इसमें और इसमें दोनों में अनुसूत्र समान है लेकिन यहाँ क्रियात्मक समूह एक में एल्कोहल और एक में ईथर है, तो यहाँ पर ए और बी जो होंगे वो कहलाएंगे एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयव, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्लियर, और एग्जाम्पल लिया अपन ने, जैसे अपन ने यहाँ ले लिया C3H6O ले लिया, क्लियर। यहाँ पे हमें इसके क्रियात्मक समूह मतलब वो बनाने हैं संरचना सूत्र, तो एक तो हमने बना दिया एल्डिहाइड, क्लियर, एक हमने बना दिया कीटोन और एक हमने बना दिया ऑक्सीरेन, इपॉक्सी बना दिया ऐसे, और हमें यहां पे मान लो उसने दे दिया ऐसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH
और ओ एच ये देते हैं। अब इन चारों सूत्रों में देखें ए बी सी और डी, मान लो ये चारों दे दिए और बोले पहचानो कौन से आइसोमर्स है, तो इन सबकी खासियत क्या है, सब में सी थ्री एच सिक्स ओ, सी थ्री एच सिक्स ओ, सी थ्री C3H6O और C3H6O, इन सबका अणुसूत्र समान है, लेकिन यहां देखें एक में एल्डिहाइड है, एक में कीटोन है, एक में इपॉक्सी है और एक में इनॉल है, तो ये चारों एक दूसरे के क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे, मतलब A एंड B, क्या A एंड B, A एंड C, A एंड D और B C के साथ और B D के साथ और C D के साथ, सब क्या होंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ये सारे क्या होंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। तो क्रियात्मक समूह समावय होने के लिए उनके क्रियात्मक समूह भिन्न होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल लिया अपन ने जैसे एमीन ले लिया, ये एग्जाम्पल दे दिया आपको सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू और एन एच टू, एक एग्जाम्पल तो ये दे दिया, एक एग्जाम्पल आपको दे दिया सी एच थ्री एन एच सी एच टू और सी एच थ्री, और एक एग्जाम्पल आपको दे दिया सी एच थ्री एन सी एच थ्री और सी एच थ्री, ये ए ये बी और ये सी। अब हमसे पूछे क्या ये फंक्शन ग्रुप आइसोमर है, तो इन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सी थ्री एच तीन दो पांच दो सात और दो नौ एच नाइन और एन, ये तो इनका अनुसूत्र हो गया। लेकिन यहां पर देखें ये वन डिग्री एमीन है, ये टू डिग्री एमीन है और ये थ्री डिग्री एमीन, भाई ये तो वन डिग्री हो गया, ये टू डिग्री हो गया और ये थ्री डिग्री एमीन है, क्लियर। ये तीनों क्या है, डिफरेंट टाइप के एमीन्स है और डिफरेंट एमीन्स है, तो ए जो होगा वो बी एंड सी के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा, क्रियात्मक समूह समावय होगा, और बी जो होगा वो सी के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा, तो बी ऑलरेडी ए के साथ तो आ ही चुका, क्लियर। और एग्जांपल लें अपन, जैसे आपको दे दिया सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और एक बना दिया आपको एच सी डबल बॉन्ड ओ और ओ सी एच थ्री, आपको पहले देखना है कि इनमें क्या है, इसमें एक सी डबल ओ एच है, इसमें सी डबल ओ आर है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और वो एस्टर है, क्या ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो भी कौन सा एथेनोइक एसिड हो गया और ये हो गया एस्टर, क्लियर। अब इन दोनों में क्रियात्मक समूह भिन्न है, अब यदि इनका अणुसूत्र समान है तो ये दोनों जो ए और बी है ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। तो यहां आप देखें सी टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सी टू एच थ्री और वन फोर और ओ टू, सी टू एच फोर और ओ टू, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, सो ये क्या कहलाएंगे, ए और बी जो है वो आपके कहलाएंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्लियर। तो यहां पर क्या है, ये ग्रुप डिफरेंट है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट उनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए, क्लियर। चलिए और एग्जांपल, अब हम देखते हैं भले श्रृंखला समावयवता रिंग चेन आइसोमेरेज। रिंग चेन आइसोमेरेज की बात करें तो ये वो यौगिक होंगे जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन इनमें से एक खुली श्रृंखला वाला यौगिक होता है और एक बंद श्रृंखला वाला यौगिक होता है, मतलब भले ही यौगिक होता है, तो इन्हें कहते हैं भले श्रृंखला समावयवता। क्या कहते हैं इन्हें, भले श्रृंखला समावयव कहते हैं और घटना को हम कहते हैं भले श्रृंखला समावयवता, क्लियर है। फॉर एग्जांपल जैसे एल्कीन का होता है साइक्लोएल्केन, क्या होता है एल्कीन का साइक्लोएल्केन, तो ये ए और बी, ये प्रॉप वनीन हो गया और ये हो गया प्रॉप साइक्लोप्रोपेन, तो यहाँ पर एक तो क्या है ओपन चेन है, खुली हुई श्रृंखला है और एक आपके साइक्लिक कंपाउंड है,
तो यहाँ पर जो ए और बी होंगे वो ए और बी रिंग चेन आइसोमर कहलाएंगे, वलय श्रृंखला समावयव कहलाएंगे। कोई कंफ्यूजन? जैसे हम यहाँ पे बात करें ब्यूट बनीन, एक हो गया साइक्लोब्यूटेन और एक हो गया मैथिल साइक्लोप्रोपेन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ए और बी में ए खुली श्रृंखला है और बी वलय है, समान कार्बन के समान सूत्र वाली। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे आपके? रिंग चेन आइसोमर। क्लियर? ए और सी की बात करें तो ए में खुली श्रृंखला है और सी में वलय है, अनुसूत्र समान है, तो यहाँ पे कहलाएगा रिंग चेन आइसोमर। क्लियर? और यदि हम बात करें बी एंड सी की, अब बी और सी में दोनों ही वलय श्रृंखला है, एक में चार कार्बन की श्रृंखला है और एक में तीन कार्बन की श्रृंखला है, तो ये केवल कहलाएंगे चेन आइसोमर, क्योंकि वलय श्रृंखला समावय होने के लिए एक यौगिक का वलय होना और दूसरे यौगिक का खुली श्रृंखला में होना ही वाद्य है। यदि दोनों यौगिक खुली श्रृंखला में है या दोनों यौगिक वलय में है तो वहां पर केवल श्रृंखला समावयता होगी, वलय श्रृंखला समावयता नहीं होगी। वलय श्रृंखला समावयता होने के लिए एक यौगिक का खुली श्रृंखला में और दूसरे यौगिक का बंद श्रृंखला में होना ही वाद्य है। जैसे हम बात करें पेंट वन इन की बात करें तो पेंट वन इन के हमने ये आइसोमर बना दिए, मतलब एक फॉर्मूला आया आपका C5H10, उस C5H10 में हमने ये फॉर्मूले बना दिए। क्लियर है? अब आप देखें ए बी के साथ, ए सी के साथ, ए डी के साथ, ए ई के साथ और ए एफ के साथ, मतलब ए खुली श्रृंखला है, बी बंद श्रृंखला है, ए खुली श्रृंखला, सी बंद श्रृंखला, डी बंद श्रृंखला, ई बंद श्रृंखला और एफ बंद श्रृंखला। तो ए बी के साथ ऐसे, ए बी के साथ, ए सी के साथ, ए डी के साथ, ए ई के साथ और ए एफ के साथ, तो होगा वलय श्रृंखला समावयव रिंग चेन आइसोमर। लेकिन हम बात करें बी की सी के साथ, बी सी के साथ, बी डी के साथ, बी ई के साथ और बी एफ के साथ, इन बी सी डी ई एफ इन सारे यौगिकों में हम देखें तो वलय ही यौगिक हैं, तो सारे इनमें कोई भी खुली श्रृंखला है ही नहीं, और खुली श्रृंखला नहीं है तो यहाँ पर ये केवल श्रृंखला समावयव आएंगे। क्या आएंगे? श्रृंखला समावयव, मतलब चेन आइसोमर। क्लियर? लेकिन हम बात करें सी का डी के साथ, सी का ई के साथ, सी का एफ के साथ, तो यहाँ पर सी में चार कार्बन की रिंग है और यहाँ डी ई और एफ में तीन तीन कार्बन की रिंग है, तो ये कहलाएंगे आपके चेन आइसोमर, श्रृंखला समावयव। क्या कहलाएंगे? श्रृंखला समावयव। अब हम बात करें डी और ई, डी और एफ और ई और एफ की बात करें, क्लियर? तो इन सब में देखें आप डी और ई, डी और एफ में वलय तो तीन कार्बन की है, लेकिन यहाँ पर देखें पार्श्व श्रृंखला एक और एक दो कार्बन की है, जबकि यहाँ पर एक एक कार्बन की है, तो ये तो हो गए दोनों चेन आइसोमर, श्रृंखला समावयव। लेकिन ई और एफ में देखें वलय भी तीन कार्बन की है, पार्श्व श्रृंखला भी एक एक कार्बन की है, लेकिन यहाँ पर वन वन पर दो मैथिल है और यहाँ पर वन टू पर मैथिल है, तो ये क्या हो गए? पोजीशन आइसोमर हो गए, स्थिति समावयव हो गए। कोई कहते हैं इन्हें कहते हैं वलय श्रृंखला समावयव। तो वलय श्रृंखला समावयव होने के लिए यौगिकों का अनुसूत्र तो समान होना जरूरी है ही, एक समावयव है, लेकिन एक खुली श्रृंखला होना चाहिए और एक बंद श्रृंखला में होना चाहिए। कोई दिक्कत? कोई कहते हैं जैसे एल्कीन का होता है साइक्लो एल्केन। इसी प्रकार हम देखें जो एल्काइन्स हैं वो एल्काइन्स जो हैं साइक्लोएल्कीन्स बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, एंड स्पाइरो कंपाउंड्स के साथ
रिंग चेन आइसोमेरिंग शो करते हैं, जैसे हमने ले लिया वन पेंटाइन, ये वन पेंटाइन ले लिया तो, और एक ही ले लिया साइक्लोपेंटीन, एक ही ले लिया, और एक आपने इसका स्पाइरो बना लिया ऐसे, क्लियर है, ये कंपाउंड बना लिया। अनुसूत्र क्या है इन सब का? C5 और H325 और 27, 7 और 1 8। यहां पर देखें, 5 तो कार्बन है ही है, 2, 2, 4, 2, 6, 7 और 1 8, 5 कार्बन है ही है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया C5H8 के कुछ स्ट्रक्चर बने। मैंने पूरी स्ट्रक्चर नहीं बनाई, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाई। इनमें अपन देखें कि ए और बी, ए और सी आपस में एक दूसरे के क्या हैं? रिंग चेन आइसोमर है। क्या है भाई? भले श्रृंखला समान है, जबकि बी और सी में भले भिन्न और यौगिक ही चेंज हो गया, और यौगिक ही चेंज हो गया, एक तो साइक्लोएल्कीन है और एक स्पाइरो है, क्लियर है, तो ये कहलाएंगे एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्लियर। अब हम पढ़ते हैं बेटा मध्यावर्ता। मध्यावर्ता का मतलब होता है वे यौगिक जिनके अनुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन इनमें बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह से जुड़े एल्किल समूह जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं, मध्यावर्ती कहलाते हैं। इनकी शर्त क्या है? इनकी शर्त है कि क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी शर्त क्या है? कि ये क्रियात्मक समूह बहुसंयोजी होना चाहिए, जैसे ईथर हो गया, थायो ईथर हो गया, 2° एमीन हो गया, 3° एमीन हो गया, एमाइड हो गया, ये वाला एस्टर हो गया, तो ये सब क्या है? बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह है, और बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह है, एनहाइड्राइड हो गया ऐसे, तो ये कहलाते हैं आपके बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह, और ये सारे क्रियात्मक समूह प्रदर्शित करते हैं मध्यावर्ता। मध्यावर्ता की शर्त कंडीशन क्या है कि सर इनका अनुसूत्र समान होना चाहिए, दूसरी कंडीशन इनमें क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए और क्रियात्मक समूह बहुसंयोजी होना चाहिए। तो इनमें होता क्या है? इनमें इस क्रियात्मक समूह के दोनों ओर जुड़े हुए एल्किल समूह डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मध्यावर्ती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहां देखें CH3, CH2O, CH2 और CH3, ये ले लिया आप, और ये ले लिया एक डाइमेथिल ईथर ले लिया, और इसका अपन ने ये बना लिया O CH2 CH2 और CH3। तो इन दोनों यौगिकों में देखें हम A में और B में क्या हो रहा है, तो यहां हम देखें तो A और B में दोनों का पहली बात तो अनुसूत्र समान है, दूसरी बात इन दोनों में क्रियात्मक समूह ईथर है, लेकिन यहां पर देखें ईथर के इसोर एथिल है जबकि यहां पर मैथिल और इधर प्रोपिल है, तो डिफरेंट एल्किल ग्रुप हो गए ना भाई क्रियात्मक समूह से, और डिफरेंट हो गए तो ये ए और बी आपस में क्या कहलाएंगे? मध्याद्रव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मध्याद्रव। क्लियर है? कीटोन मध्याद्रवता प्रदर्शित नहीं करते, तो कीटोन में बीच में कार्बन आएगा, श्रृंखला में ही रहेगा, तो स्थिति समावर्तता प्रदर्शित करेगा, मध्याद्रवता प्रदर्शित नहीं करते। तो मध्याद्रवता का मतलब क्या है? वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन इनमें बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह से जुड़े एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं, वो कहलाते हैं आपके मध्याद्रवी। और देखें एग्जांपल, जैसे आपने यहाँ पे ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये ले लिया, और एक एग्जांपल एक और ले लिया इसका यौगिक HC डबल बॉन्ड O C2H5। इन दोनों में हम देखें तो इन दोनों का अनुसूत्र समान है, क्लियर है, दोनों में क्रियात्मक समूह भी समान है, एस्टर एस्टर C डबल बॉन्ड O OR C डबल बॉन्ड O OR। लेकिन यहां देखें ऑक्सीजन से मैथिल जुड़ रहा है और यहां ऑक्सीजन से एथिल जुड़ रहा है, डिफरेंट हो गया, इधर कार्बन से मैथिल है, इधर कार्बन से हाइड्रोजन है, तो डिफरेंट हो गए ना भाई, और डिफरेंट हो गए तो ये दोनों ए और बी जो हैं
वो कहलाते हैं आपके ए एंड बी जो हैं वो कहलाएंगे मध्यावयव। क्या कहलाएंगे वो? मध्यावयव। तो मध्यावयव होने के लिए क्या चाहिए? क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए। बस क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए दोनों समूह क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। जैसे आपने यहां देखा, आपने यहां पे लिया सी एस थ्री सी ओ एन एच और सी एस थ्री, और एक आपने ले लिया एच सी ओ एन एच और सी टू एच फाइव। अब आप यहां पर देखिए अनुसूत्र समान है और यौगिक ए में क्रियात्मक समूह है सी ओ एन एच मतलब एमाइड, और यहां पर भी कौन सा है? एमाइड है यौगिक बी में भी, बट इधर एन से क्या जुड़ रहा है? सी एस थ्री। इधर एन से क्या जुड़ रहा है? सी टू एच फाइव। क्लियर? तो एक तरफ से जुड़ रहा है सी एस थ्री और एक तरफ जुड़ रहा है सी टू एच फाइव। तो एल्गिन समूह विन विन हो गए ना भाई, और विन विन होते ही ए और बी क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के मध्यावयव कहलाएंगे। तो मध्यावयव होने के लिए अनुसूत्र समान होना चाहिए, क्रियात्मक समूह भी समान होना चाहिए, लेकिन क्रियात्मक समूह के दोनों ओर जुड़े एल्किल समूह भिन्न भिन्न होने चाहिए, तो कहलाते हैं आपके मध्यावयव। क्या कहलाते हैं वो? मध्यावयव। एनी कंफ्यूजन? चल अब हम और एग्जांपल्स देखें मेटामेरिज्म के, मध्यावयवता के, तो कैसे आएंगे वो देखिएगा। जैसे ये दो यौगिक हैं ए और बी, इन ए और बी में क्या है? क्रियात्मक समूह थायो ईथर है और अनुसूत्र समान है सी फोर एच टेन एस, सी फोर एच टेन और एस। लेकिन यहां देखें, यहां सल्फर के इधर एक साइड में एथिल है, दूसरी साइड भी एथिल है, जबकि यहां प्रोपिल है और यहां मैथिल है। तो यहां जो ए और बी होंगे, वो ए और बी जो होंगे वो मध्यावयव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे वो? मध्यावयव कहलाएंगे। तो एनपीएन ऐसे हम यहां देखें, ये एनहाइड्राइड है, इसमें एनहाइड्राइड से इधर मैथिल जुड़ रहा है, इसमें भी एनहाइड्राइड से मैथिल जुड़ रहा है, जबकि यहां पर इधर एथिल है और इधर हाइड्रोजन है। तो दोनों तरफ जुड़े हुए समूह भिन्न भिन्न हो गए ना भाई क्रियात्मक समूह के, तो ए और बी क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के मध्यावयव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे ए और बी? मध्यावयव। अपन यहां बात करें, जैसे इन दोनों कंपाउंड की बात करें, तो इनमें क्रियात्मक समूह से एस्टर है। क्लियर है? अब इसमें देखो, ऑक्सीजन से एक बार जुड़ रहा है बेंजीन रिंग, जबकि यहां ऑक्सीजन जुड़ा है सी एस टू और बेंजीन रिंग, दोनों डिफरेंट हो गए। यहां कार्बन से जुड़ रहा है सी एस टू और बेंजीन रिंग, जबकि यहां पे कार्बन क्या जुड़ रहा है? ओनली बेंजीन रिंग। तो इन दोनों में क्रियात्मक समूह के दोनों ओर जुड़े हुए प्रतिस्थापी एल्किल ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। इधर तो फेनिल है, इधर बेंजिल है, जबकि इधर बेंजिल और इधर फेनिल है, तो डिफरेंट हो गया ना भाई। कार्बन से एक बार बेंजिल जुड़ रहा है, इधर कार्बन से एक बार फेनिल जुड़ रहा है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन से फेनिल है और यहाँ ऑक्सीजन से बेंजिल है। तो दोनों तरफ डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो ए और बी जो है वो कहलाएंगे आपके मध्यावयव। क्या कहलाएंगे? और भी मध्यावयव। इसमें देखें अपन, ये हो गया एमाइड, या एन से सी एस सी जुड़ रहा है और कार्बन से सी टू एच फाइव जुड़ रहा है, जबकि यह कार्बन से सी एस थ्री है और एन से सी टू एच फाइव है। तो यहाँ जो ए और बी होंगे ये कहलाएंगे आपके मध्यावयव। कोई कंफ्यूजन? ये हो गई मध्यावयवता। अब बची आपकी चलावयवता, तो चलावयवता को हम अगले चैप्टर प्रीवियम रसायन के साथ पढ़ेंगे। क्लियर है? इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। आप पूरी सीट सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत आए तो मुझे पूछिएगा। ठीक है भाई, थैंक यू। लेकिन आप पढ़े जरूर। अब ये नहीं मक्कारी करें घर पे बैठे बैठे पढ़ ही नहीं रहे हैं, या मोबाइल मिल गया तो आप गेम ही खेल रहे हो। नो, आप पढ़ाई करें। और आगे से हम जब लेक्चर भेजने के बाद डीटीपी भेजेंगे, तो एक फिक्स टाइम पर लेक्चर भेजेंगे, फिक्स टाइम पर डीटीपी भेजेंगे, उनका सॉल्यूशन डाउट भी एक फिक्स टाइम पर बताएंगे। उसके बाद हम कोई भी डाउट सॉल्व नहीं करेंगे, इसी ध्यान रखिएगा आप। क्लियर है? थैंक यू।